नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवान और अब आज की ताजा खबर। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। दिल्ली के मुखर्जी नगर थाने का घेराव कर रहे लोगों ने अपना प्रदर्शन खत्म कर दिया। प्रदर्शन करने वाले लोगों ने बताया कि आज शाम 4 बजे रकाबगंज गुरुद्वारे में बैठक होगी, जहां अगली रणनीति तय की जाएगी। इससे पहले लोगों ने ग्रामीण सेवा के ऑटो ड्राइवर की पिटाई के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। बड़ी तादाद में लोगों ने मुखर्जी नगर थाने के बाहर दिल्ली पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी पिटाई करने वाले पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि पिटाई की खबर आने के बाद 3 पुलिसकर्मियों को पहले ही सस्पेंड कर दिया गया था। तो 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। थाने के बाहर लोगों ने प्रदर्शन खत्म कर दिया है कार्रवाई के आश्वासन के बाद। हालांकि लोगों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी जरूर की है और आज बैठक होनी है रकाबगंज गुरुद्वारे में, उसके बाद ही आगे की रणनीति तय होगी। राजधानी दिल्ली में ग्रामीण सेवा चालक टैक्सी के ड्राइवर की जिस तरीके से पुलिस वालों ने पिटाई की, उसके बाद काफी विवाद खड़ा हो गया। और उस विवाद के बाद जो वीडियो वायरल हुआ, उस वीडियो के बाद जो है 3 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया। यहाँ पर मुखर्जी नगर थाने के बाहर काफ़ी सारे जो प्रदर्शनकारी थे वो इकट्ठा हुए और पुलिस पर पूरी तरीके से प्रेशर इसका बनाया गया, और जिसके बाद पुलिस वालों के बीच और प्रदर्शनकारियों के बीच काफ़ी बातचीत हुई, लेकिन किसी भी फाइनली तरीके से नतीजे पर नहीं पहुँचा जा सका। और इस पूरे मामले को लेकर राजनीति भी काफ़ी तरीके से गर्माती हुई दिखाई दी। सबसे पहले की अगर बात की जाए तो यहाँ पर शिरोमणि अकाली दल के विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा पहुँचे थे, उसके बाद आम आदमी पार्टी के विधायक यहां पर पहुंचे, और उसके बाद जिस तरीके के कुछ हालात में कोई बदलाव नहीं आया। और तकरीबन 2 बजे के आसपास से यहां से जो यहां के जो डीसीपी हैं रंधावा, वो बाहर आए और प्रदर्शनकारियों से बात की, लेकिन किसी भी तरीके की कोई भी हल नहीं निकाला जा सका। आखिरकार तकरीबन 2:30 बजे के आसपास मंगलवार की सुबह वो यहाँ से चले गए, और उसके बाद जो प्रदर्शनकारी थे उनका ये कहना था कि वो मंगलवार के 4 बजे रकाबगंज गुरुद्वारे में अपनी एक बैठक करेंगे और उसके बाद आगे की रणनीति को तय किया जाएगा। वहीं पुलिस का इस पूरे मामले पर कहना है कि जो भी कुछ कार्रवाई होगी वो कानून के हिसाब से होगी। हालांकि पुलिस का कोई भी अधिकारी कैमरे पर बोलने को तैयार नहीं है। कैमरामैन ऋषि पाटीदार के साथ मोहित सिंह, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। इससे पहले देर रात भारी बारिश के बीच लोग थाने के सामने पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन करते रहे। इस बीच कई बार अधिकारी उन्हें समझाने आए, लेकिन वो अपनी मांगों पर कायम रहे। आप देख सकते हैं थाने के बाहर हम खड़े हैं और दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। पुलिस अधिकारी MS रंधावा को अभी जो बात कर रहे थे लोगों से, लेकिन वो बात करने को फिलहाल तैयार नहीं थे। लोगों से बात करते हैं कि आपकी क्या मांग, आपने क्या बात की और क्या कहा पुलिस अधिकारी? देखो जी, इस टाइम ये रंधावा जी निकले रहे, हमारा एक ही सवाल है और एक ही इसका हल है। जितने लोग पुलिस वाले इसमें इन्वॉल्व थे, सारे के सारे डिसमिस चाहिए हमारे को, सिर्फ डिसमिस। इनका कहना है हमने इंक्वायरी बिठा दी है, इंक्वायरी जब करेगी करी, उससे पहले पनिशमेंट दे, वो उनको बाहर निकाले, उनको ड्यूटी से फ्री करे, उनको सस्पेंड करके उसके बाद उनको डिसमिस चाहिए हमारे को, डिसमिस। और उनके खिलाफ बिल्कुल जो उन्होंने इंसानियत का नंगा नाच पूरी दुनिया को दिखाया है, उसको दुनिया को एक मैसेज आना चाहिए कि अगला कदम आपका क्या होगा, आप क्या कर रहे हैं? देखो जी, अभी तक तो ये बात यहाँ तक चल रही है, पूरी दुनिया देख रही है, नहीं होगा इससे और ऊपर, उससे और ऊपर, एयर ऊपर। हम चुप बैठने वाले नहीं है, इस बार इसका हल निकाल के देंगे और इसका फैसला करके देंगे। पूरी संगत जुटी रहेगी। लोगों ने मांग की है कि न्याय की, अगर उन्हें न्याय नहीं मिलता है तो वो और आगे जाएंगे और आगे कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन ऋषि पाटीदार के साथ मोहित सिंह, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। वही शिरोमणि अकाली दल के विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा धरना दे रहे लोगों से मिलने पहुंचे। वहां गुस्साए लोगों ने उनके साथ धक्का मुक्की की। तो मनजिंदर सिंह सिरसा वहां पर पहुंचे थे लोगों को समझाने के, लेकिन उनके साथ भी धक्का मुक्की हुई, उसके बाद वो वहां से चले गए। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। दरअसल लोगों का आक्रोश कम नहीं हो रहा है और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं मुखर्जी नगर में। जिस तरीके से वहां पर ऑटो ड्राइवर के साथ पुलिस वालों ने मारपीट की थी, वीडियो वायरल हुआ था, इसके बाद से बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि इस मामले में 2 FIR दर्ज हुई है और मामला क्राइम ब्रांच को सौंपा गया है, लेकिन लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि अब लोगों ने प्रदर्शन खत्म कर लिया है। इस बीच जब शिरोमणि अकाली दल के विधायक लोगों के बीच पहुंचे, उनको शांत करवाने की कोशिश की, तो उनको भी
लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा और वहां पर धक्का मुक्की हुई। इसके बाद वो वहां से चले गए। 6 तस्वीरें आपके सामने हैं किस तरीके से लोगों ने थाने का घेराव किया, लोगों ने नारेबाजी की, यहां पर लोग न्याय की मांग कर रहे हैं और सिरसा से धक्का मुक्की हुई है। ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं जो कि शिरोमणि अकाली दल के विधायक है। पुलिस से भी बहसबाजी हुई और वहां पर ACP को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। हालांकि सुलह की कोशिश लगातार चल रही है। इस बीच मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल वो भी पीड़ित परिवार से मिले हैं और आश्वासन दिया है, लेकिन अब अपडेट ये है कि विरोध प्रदर्शन खत्म हो चुका है। दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में ग्रामीण सेवा वाले एक ऑटो ड्राइवर ने पुलिस वालों से झड़प के बाद उन पर तलवार से हमला कर दिया। बताया गया पुलिस ने ऑटो को रुकवाया जिससे ड्राइवर गुस्सा हो गया। और हाथ में तलवार लिए एक पुलिस वाले को धमकाने लगा। ये देख उस ड्राइवर का बेटा वहां पहुंचा और अपने पिता से शांत रहने की गुजारिश करने लगा। फिर पुलिस वाला थाने के अंदर चला गया जबकि ड्राइवर अपने बेटे के साथ दूसरी ओर चला गया। लेकिन थोड़ी देर में थाने के अंदर से कुछ पुलिस वाले तेजी से बाहर निकले और ड्राइवर को घेरने की कोशिश करने लगे। पुलिस वालों के तेवर देख ड्राइवर ने फिर से तलवार हाथ में ले ली, जिसे देख पुलिस वाले कुछ कदम पीछे हट गए। मौका देखकर सादी वर्दी में तैनात एक पुलिस वाले ने उस ड्राइवर को पीछे से पकड़ लिया और बाकी पुलिस वाले उसे लाठियों से पीटने लगे। कुछ देर चली धक्का मुक्की के बाद ड्राइवर पुलिस के चंगुल से छूट गया और तलवार लहराता हुआ उनके पीछे दौड़ पड़ा। ऑटो ड्राइवर ने सादी वर्दी में तैनात पुलिस वाले पर तलवार से हमला कर दिया और ये देख बाकी पुलिस वाले वहां से जान बचाकर भाग निकले। और तलवार से हुए इस हमले में सादी वर्दी में तैनात एक पुलिस वाला घायल हो गया। लेकिन इसके बाद भी वो पीछे नहीं हटा और उसने ड्राइवर को रोकने की कोशिश करते हुए उसकी तलवार पकड़ ली। जबकि ड्राइवर और उसका बेटा पुलिस वाले पर टूट पड़े और उसे पीटने लगे। थोड़ी देर में कुछ पुलिस वाले खुद को बचाते हुए ड्राइवर पर लाठियां चलाने लगे जबकि सादी वर्दी पहने पुलिस वाला उसकी तलवार को पकड़े रहा। बीच सड़क पर पुलिस वालों और ड्राइवर की इस झड़प से वहां लंबा जैम लग गया। उनके हाथ में भी डंडे थे तो हमने भी अपनी रक्षा के लिए निकाली, हमने वार नहीं किया पहला। इस हंगामे के बीच ड्राइवर का बेटा अपनी गाड़ी को तेज रफ्तार से लेकर आया और वहां खड़े पुलिस वालों को टक्कर मार दी। पुलिस का दावा है कि इस टक्कर में एक पुलिस वाले के पैर में भी गंभीर चोट आई, जिनको वहां मौजूद कुछ पुलिस वाले इलाज के लिए अस्पताल ले गए। अपने साथी के घायल होने के बाद पुलिस वालों का गुस्सा और भड़क गया और उन्होंने ऑटो में बैठे ड्राइवर के लड़के को पीटना शुरू कर दिया। जबकि दूसरी तरफ एक घायल पुलिसकर्मी और ड्राइवर एक दूसरे से उलझे दिखे। इस दौरान वहां मौजूद एक पुलिस वाला ड्राइवर को लाठी से पीटता रहा। सड़क पर हंगामे की वजह से लोगों की भारी भीड़ जुड़ गई। इस बीच एक पुलिस वाले ने ड्राइवर को सड़क पर गिरा दिया और उसके ऊपर बैठ गया, जबकि कुछ पुलिस वाले उसे लाठी से पीटते रहे। लेकिन सड़क पर गिरा ड्राइवर भी पीछे नहीं रहा और मौका मिलते ही उसने भी पुलिस वालों पर घूंसे बरसाए। इसी बीच पुलिस के हाथों पिट रहे ड्राइवर ने एक पुलिस वाले को जकड़ लिया और हाथों में लाठियां लिए पुलिस वाले अपने साथी को उसके चंगुल से छुड़ाने की कोशिश करने लगे। लेकिन ड्राइवर सादी वर्दी पहने पुलिस वाले का कॉलर पकड़े रहा। ये देख कुछ पुलिस वाले ड्राइवर पर लातें बरसाने लगे और उसके चंगुल से पुलिस वाले के छूटते ही ड्राइवर को घसीट कर वहां से ले गए। इस दौरान एक पुलिस वाला हाथ में पिस्तौल लिए हुए भी दिखा, जबकि कुछ पुलिस वाले अपने घायल साथी को पकड़कर वहां से ले गए। लेकिन ड्राइवर और पुलिस वालों की झड़प खत्म होने के बाद भी मुखर्जी नगर में हंगामा जारी रहा। ड्राइवर और उसके बेटे की पिटाई से नाराज कुछ लोग मुखर्जी नगर थाने के बाहर पहुंच गए और वहां सड़क पर बैठकर पुलिस वालों के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। गुस्साए लोगों ने मारपीट में शामिल पुलिस वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। एक एक आदमी के ऊपर 15-15 लोग चल के मार रहे हैं, इनको डिसमिस होना चाहिए, इनके ऊपर 307 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इस हंगामे को शांत करवाने पहुंचे कुछ पुलिस वालों को भी गुस्साई भीड़ का सामना करना पड़ा और भीड़ में मौजूद कुछ लोगों ने पुलिस वालों पर हमला बोल दिया। लाठियां डंडे लगातार बरसाए जा रहे हैं। इस दौरान गुस्साई भीड़ ने पथराव कर पुलिस की गाड़ी भी तोड़ दी। मुखर्जी नगर में ये हंगामा काफी देर तक चलता रहा। मामले के तूल पकड़ने के बाद इस घटना में शामिल 3 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन ड्राइवर और पुलिस वालों के बीच हुई झड़प के बाद बवाल और बढ़ गया। ड्राइवर की पिटाई का विरोध करने मुखर्जी नगर थाने के बाहर पहुंची भीड़ बेकाबू हो गई और भीड़ ने लोगों को समझाने पहुंची पुलिस पर ही हमला कर दिया।
पुलिस वालों के साथ एसीपी केजी त्यागी भी वहां मौजूद थे, जो लोगों का गुस्सा और विरोध देखकर वहां से थाने की ओर भागने लगे। उन्हें भागता देख कुछ लोग भी उनके पीछे दौड़े और थाने में घुसने से पहले ही उन्होंने एसीपी को पकड़ लिया। एक आदमी ने एसीपी का कॉलर पकड़कर उन्हें जमीन पर गिरा दिया और बाकी लोग उन पर टूट पड़े। इस बीच भीड़ में मौजूद कुछ लोग बैरिकेड के ऊपर चढ़कर हंगामा करने लगे। काफी देर तक लोगों की पुलिस से झड़प होती रही। फिर वहां मौजूद पुलिस वालों ने एसीपी को भीड़ के चंगुल से छुड़ाया और थाने के अंदर ले गए, लेकिन उसके बाद भी थाने के बाहर लोगों का हंगामा जारी रहा। वहीं इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस के कुछ जवानों और ऑटो ड्राइवर पर एफआईआर दर्ज कर ली गई और घटना में शामिल 3 पुलिस वालों को सस्पेंड भी कर दिया गया। कल के इंसिडेंट के ऊपर इंक्वायरी की जा रही है और उस इंक्वायरी की प्रिलिमिनरी फाइंडिंग्स के बाद 3 पुलिसकर्मी इनको इमीडिएटली सस्पेंड कर दिया गया है। ऑटो ड्राइवर की पिटाई का वीडियो सामने आने के बाद इस पर सियासत भी गर्मा गई। इसी बीच सीएम केजरीवाल भी ऑटो ड्राइवर से मिलने उनके घर पहुंचे तो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने उनका विरोध किया। और सीएम केजरीवाल पर राजनीति का आरोप लगाते हुए उनके विरोध में नारेबाजी की। विरोध प्रदर्शन में शामिल कुछ लोग केजरीवाल का रास्ता रोकने के लिए गली में लेट गए, जिनसे दिल्ली पुलिस के जवान उठने की अपील करते दिखे। इस बीच वहां तीखी बहस भी हुई। किसी सिख की तकलीफ का नुकसान पहुंचा, दिल्ली पुलिस जिम्मेदार है। इस विरोध के बीच सीएम केजरीवाल ने ड्राइवर से मुलाकात की और घटना पर दुख जताया। एक्सीडेंट बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि जो दोषी पुलिस के लोग हैं उनके साथ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जबकि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने ड्राइवर और उनके परिवार के लिए इंसाफ की मांग की। इस लड़ाई को जब तक लड़ा जाएगा जब तक दोषी जो है वो कोर्ट की कचहरी में नहीं पहुंचे। इसके साथ ही गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने इंसाफ नहीं मिलने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी और घटना के समय मौजूद सभी पुलिस वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। दिल्ली पुलिस के खिलाफ इस गुस्से की झलक पंजाब की सियासत में भी नजर आई, जहां अकाली दल ने ड्राइवर के विरोध को सही ठहराते हुए दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को गलत बताया। 20-20 पुलिस वालों ने लट्ठों के साथ उसको अंदर बंद करके पीटा दोनों बाप बेटे को। ये पुलिस नहीं है, ये पुलिस वर्दी के अंदर गुंडे हैं। इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक ट्वीट किया और दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को शर्मनाक बताते हुए गृह मंत्री अमित शाह से इंसाफ की मांग की। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकवादियों ने सेना के काफिले पर हमला किया। इस हमले में सेना के 19 जवान घायल हो गए, जिसमें कई जवानों की हालत गंभीर बनी हुई है। सभी जवानों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। यह हमला पुलवामा के अरिहल लस्सीपुरा रोड पर हुआ। यह हमला तब हुआ जब सेना की बख्तरबंद गाड़ी यहां से गुजर रही थी। हमला इतना भयंकर था कि सेना की गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। ब्रेक के बाद लौटते हैं। अभी देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबरें। दिल्ली के मुखर्जी नगर में पिता बेटे की पिटाई के मामले में कार्रवाई का भरोसा मिलने के बाद थाने का घेराव कर रहे लोगों ने प्रदर्शन खत्म किया। दिल्ली के मुखर्जी नगर थाने के सामने प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझाने पहुंचे शिरोमणि अकाली दल के विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा के साथ धक्का मुक्की की गई। बिहार में इंसेफ्लाइटिस से 133 बच्चों की मौत पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। इंसेफ्लाइटिस के कहर के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज बीमार बच्चों का हाल जानने मुजफ्फरपुर पहुंचेंगे। सीएम ममता बनर्जी से आश्वासन मिलने के बाद बंगाल में 7 दिन से चल रही डॉक्टरों की हड़ताल खत्म हो गई। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। अयोध्या के राम जन्मभूमि परिसर में 2005 में हुए आतंकी हमले के मामले में आज प्रयागराज की नैनी जेल में बनाई गई विशेष कोर्ट फैसला सुनाएगी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बल ने मुठभेड़ में एक आतंकी को मार गिराया। पुलवामा में सेना के काफिले पर हुए आतंकी हमले में 19 जवान घायल हो गए।
यूपी के सीतापुर में बारातियों को लेकर जा रहे ट्रैक्टर ट्रॉली और तेज रफ्तार टैंकर की टक्कर में 6 लोगों की मौत। मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी का अदालत में सुनवाई के समय अचानक गिरने से निधन हुआ।